Hello you guys, this is Nikki. Hope you're doing absolutely fantastic. Welcome back to my channel. So I'm back with another video and this is gonna be the really interesting video. So आज के वीडियो में हम करने वाले हैं वायरल मेकअप हैक्स. सो यस, मैं ये काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी और मैंने सोचा कि ये भी मुझे कुछ करना चाहिए लाइक दिस. सो मैंने सोचा क्यों ना ये सब आपके साथ ही बैठ के शेयर किया जाए. दिस इज़ गोना बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ यू गाइस. सो आज देखेंगे ये जो हैक्स है ये कितने सही है. या दिस गोना बी रियली इंटरेस्टिंग. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब फर्स्ट. यहाँ पे वीडियो पॉज करो और उसके बाद लेट्स गो इनटू द वीडियो. सो सबसे पहला जो है, मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया हुआ है. सो जो मैंने हैक्स लिए है, जो कि मैंने हैक्स देखे है, उससे हमारा पूरा मेकअप हो जाने वाला है. सारी चीज़ों के लिए मैंने हैक्स देखे हैं. तो जो सबसे पहला हैक देखा है वो हम पहले देख लेते हैं. वॉच, चेंज योर होल रूटीन एंड ट्राई दिस इंस्टेड. Moisturize first. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one, and I just lightly dab it all over my face. Not too much. Then take some setting spray. It could be any setting spray. I usually use the NYX one. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Also, wait for the setting spray to dry first. Then just put on your foundation and just see what happens and how amazing. अभी अकॉर्डिंग टू दिस हैक, सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि इससे हमारा जो बेस है और जो मेकअप है वो कितना फ्लॉलेस लगता है. जैसे कि इन्होंने वीडियो में बताया कि काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा. सो हम ये हैक ट्राई करेंगे. लेट्स सी कितने हद तक ये सही है. सो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मॉइस्चराइजर. सो सबसे पहले मैंने लिया है ये सेटाफिल का माई ऑलवेज फेवरेट मॉइस्चराइजर और इसको हम अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे. Take a good amount of moisturizer. So for the next step, हम लेंगे some loose powder और यहाँ पे मैं ले रही हूँ Fit Me का my every time favorite loose powder और ये brush. So इससे हम जो है एकदम हल्का सा पूरे face पर apply करेंगे. Not too much, थोड़ा सा ही. सेटिंग स्प्रे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर और अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी. सो फॉर द नेक्स्ट स्टेप मैं ये लूंगी प्राइमर. ये इनसाइड का प्राइमर है. दिस इज रियली अफोर्डेबल एंड रियली गुड प्राइमर. इसको हम अच्छी तरीके से प्राइम करेंगे. एंड प्राइमर के बाद मैं यूज करूंगी फाउंडेशन. अगेन आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का फिट मी. सो अभी मैंने फाउंडेशन लगा दिया. आई विल बी जस्ट ब्लेंडिंग इट. मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया. सो दैट्स इट. यहाँ तक ये स्टेप है. फॉर मी इट डजंट मेक एनी लाइक इतना कुछ ह्यूज डिफरेंस. मतलब ठीक ही है, नॉर्मली है. जैसे हमने यूजुअली जो मेकअप अप्लाई करते हैं इट्स लुकिंग द सेम. मुझे कुछ अलग नहीं दिख रहा है. मे बी उन्होंने बोला कि इट विल लॉन्ग लास्टिंग. सो मे बी दैट्स द थिंग. उसके अलावा मुझे कवरेज में या फिर कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है. इट्स लाइक द सेम यूजुअली. या इट्स अ लाइक ओके, इट्स अ थम्स अप. सो अभी नेक्स्ट जो हैक हम ट्राई करने वाले हैं दैट्स गोना बी दिस आई शेडो हैक, जो दिखने में इतना ईजी लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है देखने में. लेट्स सी एक्चुअली में इस तरीके से ब्लेंड होके इस तरीके से लुक देता है कि नहीं. सो दिस इज द नेक्स्ट हैक. सो हम डिटो वही कलर्स लेने वाले हैं जो कि इस वीडियो में दिखाए गए हैं. एंड आई विल बी जस्ट अप्लाइंग ऑल द कलर्स जो कि यहाँ पे बोले गए हैं. फॉर दिस हैक मैंने ये पैलेट लिया है. ये नायका का आई शेडो पैलेट एंड दिस इज अ छोटू एंड रियली गुड पैलेट जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे कलर्स मिल जाएंगे. मतलब एक अच्छे से आईब्रो लुक को क्रिएट करने में जो सारे कलर्स मिलते हैं वो मिल जाएंगे. लेट मी जस्ट शो यू. सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक. छोटा सा कॉम्पैक्ट एंड रियली गुड आई शेडो पैलेट. सो आई गेस इसमें सारे कलर्स हैं जो कि इस वीडियो में शो किए गए हैं. हमको लगेगा फ्लैट ब्रश, ठीक है, एक आई शेडो पैलेट. स्टार्ट, लेट मी जस्ट ज़ूम यू इन गाइस, सबको एग्जैक्टली पता चले. ऑलराइट, सो
दोनों साइड पे। वर्क फॉर मी, मैंने एक्चुअली सेम स्टेप वही फॉलो किए थे जो यहाँ पे वीडियो में दिखाए थे, बट मे बी आई वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग और पता नहीं क्या, बट इट रियली डिड वर्क फॉर मी। सो एज यू कैन सी मेरे आँखें पूरे मैसी हो रखे हैं। सो एक्चुअली एक दूसरे के साथ एक्चुअली एक दूसरे के कलर के ऊपर चढ़ रहे थे, ये अपनी अपनी जगह पे ब्लेंड नहीं हो रहे थे। सो आई डोंट नो लाइक हाउ एग्जैक्टली ट्रिक इज, या फिर मैंने सही से नहीं किया था, बट इट्स नो फॉर मी। नेक्स्ट गोना बी दिस वेरी इंटरेस्टिंग वायरल मेकअप हैक। इसको हम करके देखते हैं, दिखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेट्स सी इससे कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने दो प्रोडक्ट ले लिए हैं, ये है मेरा लिक्विड ब्लश और ये है मेरा स्विस बीटी का कंसीलर। विल सी इफ इट मेक्स डिफरेंस और नॉट। जो ब्लश है आई विल बी जस्ट टेकिंग पंप ऑफ इट और applying it in between. Now I am taking a beauty blender and I will just blend it all together. Okay, it actually works. So you can see this eye versus this eye, जो उसका under eye है वो एकदम bright हो गया है and which look like really refreshing. So this is a ये for me. हम फटाफट से ये वाला भी ब्लेंड कर लेंगे। तो मेरा अंडर आई काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, मतलब यूजुअली ब्राइट दिखता है वो, जो ब्लश लगाने से जो एक्स्ट्रा पॉप ऑफ कलर आ गया, जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस आ गई, इट्स लुकिंग रियली गुड। सो इट्स अ ये फॉर मी। सो फॉर द नेक्स्ट हैक, ये तो मेरा सबसे फेवरेट हैक होने वाला है। So for that I am just taking this blush, again the same blush. अब उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं अपने palm में लूंगी, इसको मैं rub करूंगी, I will just tap it over here. वर्क, मतलब बहुत ही सही सा है। सो दिस इज ये फ्रॉम माय एंड, आई रियली लव्ड इट हाउ इट लुक्स लाइक। सो दैट्स इट यू गाइस, आई होप यू रियली एंजॉय दिस हैक। मुझे तो काफी मजा आया इस हैक को ट्राई करने में और देखने में कि ये एक्चुअली वर्क करता है कि इट्स जस्ट अ वीडियो के यू नो जो वायरल हो गया और जो एक्चुअली में काम नहीं करता है। सो इसमें से कुछ चीज़ ऐसी है जो कि एक्चुअली में वर्क करती है एंड विच आई रियली लाइक्ड इट, और कुछ चीज़ें इट्स लाइक ब्ला, लाइक इट्स लाइक ठीक है मतलब। सो या यू गाइज, लेट मी नो हाउ यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वॉन्ट टू सी सच मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब। आई कैन सी मैनी ऑफ यू गाइज, आप देख के तो जाते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो आई रियली वॉन्ट माई फैमिली टू ग्रो। सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।